सब्सक्राइब कीजिए कुक विद स्मृति चैनल को, ये बिल्कुल फ्री है, और बेल बटन पे क्लिक कीजिए मेरे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कुक विद स्मृति। मैं हूं आपकी दोस्त स्मृति, और दोस्तों आज बनाने वाले हम एक बहुत ही बढ़िया सी रेसिपी। पर रेसिपी शुरू करने से पहले, जो दोस्त आप मुझे पहली बार देख रहे हैं वो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। और दोस्तों करिए वादा आप मेरे साथ कि अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो आप इसको लाइक और शेयर जरूर करेंगे। तो चलिए चलते हैं किचन में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक रेसिपी वीडियो, और आज हम बनाने वाले हैं सोया चंक करी। गर्मियों में जब हमारे पास लौकी, तोरई जैसी बोरिंग सब्जी आती हैं और हम कुछ बढ़िया खाना चाहते हैं, या हमारे घर में कई बार सब्जियां नहीं होती हैं, ऐसे टाइम पर सोया चंक करी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर आपका सडनली मेहमान भी आ जाए और आप बढ़िया सी सब्जी बनाना चाहते हो तो ये झटपट भी बन जाएगी और साथ ही साथ बहुत ही स्वादिष्ट भी है। आप देख सकते हो कि कितनी अच्छी लग रही है देखने में। अगर आज का आपको ये रेसिपी वीडियो पसंद आएगा दोस्तों, तो इसके नीचे का लाइक बटन हिट करना मत भूलिएगा, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा और आप कौन सी रेसिपीज देखना चाहते हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सोया चंक करी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक बाउल में हाफ कप सोया चंक्स ले लिए हैं। आपको जितनी सब्जी बनानी हो उस हिसाब से आप लें। और अब मैं इसमें डाल दूंगी गरम पानी। तो जब तक हम बाकी तैयारी कर रहे हैं तब तक मैं सोया चंक को इस गरम पानी में भिगो दे रही हूँ ताकि ये फूल जाए और नरम हो जाए। सोया चंक को जब आप भिगोते हो तो एक झाग आता है, मैं इसको धोने का आपको सही तरीका बता दूंगी, प्लीज़ आप उस तरह से ज़रूर इस्तेमाल करें। दोस्तों सबसे पहले हमें एक मसाला बनाना होगा, तो यहाँ मैंने एक बड़ा प्याज काट लिया है, या आप दो मीडियम साइज़ के प्याज ले लें, 3 से 4 कलियाँ आप लहसुन की ले लें, 1 टुकड़ा मैंने अदरक का लिया है, और 1 यहाँ पर ये मैंने ली हुई है बड़ी इलायची। इन सब चीज़ों को मिक्सी में डाल के हमें एक पेस्ट बनाना होगा। तो यहाँ पर हमने प्याज वाला मसाला पीस के तैयार कर लिया, अच्छा फाइन पीसना है, और बड़ी इलायची का छिलका नहीं उतारना है, छिलके समेत ही उसको पीसना है। दूसरी चीज़ है ये टमाटर का पेस्ट, यहाँ पर मैंने 2 टमाटर को मिक्सी में पीस लिया है। अगर आपके पास मार्केट की टमाटो प्यूरी है तो वो भी यूज़ कर सकते हो, उससे कलर और अच्छा आएगा। और सूखे मसाले में हम लेंगे 1/2 टेबल स्पून जीरा, 1 तेज पत्ता, 2 टुकड़े दालचीनी के, और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे लिया हुआ है जावित्री। जावित्री अगर आपके पास नहीं है तो आप अवॉइड कर सकते हो, लेकिन बाकी चीज़ें ज़रूर डालें। और मसाले में जो हमने बड़ी इलायची डालकर पीसी है उसको ज़रूर आप ऐड करिएगा, कुछ भी मिस करें पर बड़ी इलायची मसाले में मिस मत करना, उससे सब्जी का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, और अगर उसके बिना बनाते हो तो फ्लेवर आधे से भी कम रह जाता है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा यहाँ पर मेरे पास है सरसों का तेल, इस सब्जी को बनाने के लिए मैं सरसों का तेल ही यूज़ करूँगी। अगर आपके पास नहीं है तो कोई दूसरा यूज़ कर सकते हो, पर अगर सरसों का तेल हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो दोस्तों जब तक हमने सारी तैयारी करी है, हमारे सोया चंक जो हैं वो फूल कर तैयार हो गए हैं, आप देख सकते हो ये बड़े हो गए हैं। अब आपको क्या करना है, आपको ये वाला पानी फेंक देना है जो हमने गुनगुना पानी में भिगोया था, और इसमें 2-3 बार आपको ठंडा पानी डाल के और उनको ऐसे दबा के स्क्वीज करके आपको धोना, ताकि अंदर का जो पानी और झाग भरा है ना वो निकल जाए। जब आप दबाओगे तो झाग निकलेगा, तो आप इसमें ठंडा पानी डालो, दबा के अच्छे से धो लो इनको, फिर से ठंडा पानी डालो, फिर से धो, ऐसे 2-3 बार अच्छे से इनको वॉश कर लो, इससे ये इजिली डाइजेस्ट हो जाए आते हैं। और जिन लोगों को ये लगता है कि ये डाइजेस्ट नहीं होते, नुकसान करते हैं, तो आप वो झाग निकाल दोगे तो उस नुकसान से बच जाओगे। तो दोस्तों इस तरह का झाग वाला सफ़ेद पानी निकलेगा, इसमें मैंने धोया है इनको, और 3-4 बार अच्छी तरह से धोने के बाद ये हमारे सोया चंक्स हमारे पास रेडी हो गए हैं। इसके अलावा दोस्तों मैंने यहाँ पे एक बड़ा आलू बड़े बड़े मोटे टुकड़ों में काटा हुआ है। आलू अगर आपके घर में बच्चे हैं पसंद करते हैं तो आप डालें, मुझे इसमें पसंद है तो मैं डाल रही हूँ, लेकिन जिन्हें सोया चंक्स का स्वाद बहुत ज़्यादा पसंद है टोटली आप आलू को स्किप कर सकते हो, हटा भी सकते हो, और बच्चों के लिए चाहो तो डाल भी सकते हो, पर मेरे घर में सबको इसमें थोड़ा सा आलू पसंद है तो मैं डाल रही हूँ। तो दोस्तों सब्जी को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने गैस पे कुकर रख लिया है, और आप देख सकते हैं इसमें मैंने सरसों का तेल डाला है। सरसों का तेल जब भी इस्तेमाल करें इसको धुआं उठने तक अच्छे से गर्म कर लें, तो पहले मैं इसको बहुत अच्छे से गर्म करूंगी तब मसाले डालूंगी। तेल गर्म हो चुका है तो हम इसमें डाल देंगे जीरा, जावित्री, दालचीनी के टुकड़े और तेज पत्ता। सभी मसाले अच्छे से चटक गए हैं तो अब हम डाल देंगे अपना प्याज वाला पेस्ट। प्याज वाला पेस्ट डाल दिया, अब हम डालेंगे मसाले, हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। आप देख रहे होंगे कि मैं ये चम्मच भर के डाल रही हूँ क्योंकि कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है, रंग देगा पर ज़्यादा तीखा नहीं करेगा। 1 चम्मच भर के धनिया पाउडर, मिला दें सभी को। मसाले को हमें तेल अलग होने तक भून लेना है। आप देख सकते हो मसाले पे तेल अलग हो गया है, तो जो टमाटर का पेस्ट पीस के रखा है वो डाल देंगे, मिला देंगे, और इस मसाले को भी हम थोड़ी देर और भूनेंगे जब तक कि तेल अलग ना हो जाए फिर से। तो कुछ देर और भूनने के बाद तेल अलग हो गया है मसाले से, और इस टाइम पर हम घर की निकली हुई ये दूध से मलाई है, 1 चम्मच मलाई डाल देंगे, इसको क्रीमी टेक्सचर देगी। मलाई डालने के बाद थोड़ा सा मसाले को और पकाएंगे हम। तो थोड़ी देर बाद देखेंगे तो मसाला बहुत अच्छे से भुन गया है,
इस टाइम पर ऐड कर देंगे सोया चंक्स, और अगर आप आलू ऐड कर रहे हैं तो वो भी ऐड कर दें। मसाले के साथ थोड़ी देर में इसको भून लूंगी। तो थोड़ी देर हमने इसको मसाले के साथ भून लिया है। अब इस टाइम पर हम डालेंगे इसमें पानी। बहुत ज़्यादा पानी हम नहीं डालेंगे क्योंकि हम थिक ग्रेवी बना रहे हैं। अगर आप पतला रखना चाहते हैं तो आप पानी बढ़ा सकते हैं, लेकिन मैं थिक ग्रेवी बना रही हूँ। सब्जी कितनी है हमको अंदाज़ा हो गया है, तो अब हम डाल देंगे नमक इस टाइम पर। मैं 1/2 टेबल स्पून करीब नमक डाल रही हूँ, आप स्वाद के हिसाब से डालें। मैं सब्ज़ी में सिर्फ इतना पानी रख रही हूँ कि सब्ज़ी ठीक ठीक डूब गई है। कुकर का हमने ढक्कन लगा दिया है। पहली सीटी हम तेज गैस पे लगाएंगे और उसके बाद गैस को कम करके एक और सीटी लगाएंगे। तो पहली सीटी आ चुकी है दोस्तों, और इसके बाद गैस को हम लो फ्लेम पे सेट कर देंगे और दूसरी सीटी आने देंगे। तो दोस्तों दोनों सीटी आने के बाद हमने गैस को बंद कर दिया है, और अब हम कुकर का जो प्रेशर है वो खुद नहीं निकालेंगे, इसको अपने आप निकल जाने देंगे। जब बिल्कुल प्रेशर निकल जाएगा तभी हम कुकर का ढक्कन खोलेंगे, अदरवाइज जो सब्जी के ऊपर का कलर है, तेल मसाला है, वो भी उड़ जाता है, सब्जी की रंगत इतनी अच्छी नहीं रहती। दोस्तों अगर आपको रेसिपीज पढ़ना पसंद है तो आप मेरी वेबसाइट ghargrihasthi.com पर भी जा सकते हैं। तो अब कुकर का प्रेशर पूरी तरह से निकल चुका है, हम कुकर को खोल लेंगे। और आप देख सकते हैं हमने कश्मीरी लाल मिर्च और जावित्री का इस्तेमाल किया है, तो ग्रेवी का रंग कितना अच्छा आया है। अब हमको सब्जी में डालना है थोड़ा सा गर्म मसाला पाउडर, साथ ही में हम डाल देंगे कटा हुआ हरा धनिया। हमने दोनों चीज़ों को मिला दिया, अब हम बढ़िया सी सुंदर सी कढ़ाई में इसको सर्व कर लेंगे। तो लीजिए दोस्तों हमारी झटपट से सोया चंक करी तैयार हो गई है। इसको गर्मा गर्म आप चपातियों के साथ या चावल के साथ जैसे चाहें सर्व करें, ये बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। आई होप आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।